हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद अमित में। जी हम बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती थर्ड लिस्ट यानी तृतीय चयन सूची के बारे में, प्लस UPTT के बारे में बात करेंगे और प्लस नई शिक्षक भर्ती, इन तमाम बिंदु बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मित्र चैनल पर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए देखते हैं। 19 मई माह के अंत तक नवनीत लगभग 62,000 प्लस शिक्षकों का वेतन पहुँचा कर सभी बैंक खातों में। वेरिफिकेशन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिनका सत्यापन होता जाएगा उनके जिले में आपको वेतन के आदेश एक एक करके देखने को मिलेंगे। अभी तक वेतन निर्गत न किए जाने से मुख्यमंत्री सभी BSA सत्यनारायण 6 मई की मीटिंग में फर्रुखाबाद जिले से BSA और BO सभी का वेतन अगले आदेश तक रोका, क्योंकि वहाँ पर अभी तक एक भी शिक्षक का वेतन नहीं दिया गया। शरद सर हेल्पलाइन। जी हाँ, खुद को सुरक्षित रखें, आसपास के लोगों को ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए 2 मास्क लगाएं। 1 मास्क लगा रहे ढीला तो इसमें गांठ लगा ले ताकि एकदम फिट हो। इसके ऊपर दूसरा मास्क इस तरह लगाएं कि आपका चेहरा अच्छी तरह से कवर हो जाए। ट्विटर संगम का प्रभाव जागा है विभाग, जियो आने तक नहीं बंद होगा ट्विटर बार। अभी भी अंतिम रिक्ति तक नहीं पहुंच सका विभाग, अगले सप्ताह मिल सकता है विवरण। 20 तारीख के बाद लगभग आ सकता है जियो। अधिक पदों पर जनपदों में दो तीन चरणों में होगी काउंसलिंग। ट्विटर ट्रेंड में समस्त रिक्तियों पर सूची जारी करने की मांग भी की जाए शामिल, हम अपने साथ अधिकतम साथियों को लेकर चलेंगे। जी हाँ, देख लीजिए 22,000 सीटों को जोड़ने का मामला। कोई ट्वीट करे या ना करे, आप लोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए ट्वीट जरूर करें। साथियों, अब ना हो तो कोई UPTT की परीक्षा देनी है और ना ही SuperTT की परीक्षा, मेहनत करनी है बस। चुनावी साल में सरकार से अपना हक मांगना है साथियों। आज शाम 7 बजे शुरू हो जाए। हैशटैग है @22,069,000 और बेचारे योग्य शिक्षक, ये दोनों हैशटैग एक साथ यूज करने हैं। 62 गुणांक से 65 गुणांक तक सभी लोगों को अब एक ही सहारा है, 22,000 मुद्दा ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। 3 अंक क्यों बार दिया गया, फेलियर को क्यों पास किया गया, जब 1,37,000 में से 22,000 सीट रिक्त है तो खाली क्यों नहीं है। ये 1,37,000 में से 22,000 सीट्स हैं, खाली क्यों है, ये हिलाचारी जी हैं। 22,000 सीटों को लेकर भर्ती काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत कर रहे हैं, ये तक कि उन्होंने वर्चुअल जानकारी, वर्चुअल धरना भी और वर्चुअल प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिए हैं। भर्ती 11 मई से UPTT के लिए आवेदन शुरू होने पर संशय, संक्रमण कारण सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी NIC की तैयारी संभावित। जी हाँ, बात कर लेते हैं साइड में। NIC जहाँ से UPTT के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होती है, वहाँ से 2-3 अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवा चुके हैं। ऐसे समय में जो सरकार के पास यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर असमंजस, ऐसे में UPTT के लिए 11 मई को विज्ञापन जारी होगा। इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि इस बारे में शासन स्तर से चर्चा करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, शासन से राय के बिना UPTT के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते। जी हाँ, अब मंजिल दूर नहीं, लखनऊ की हालत अच्छे हो, जैसे लखनऊ सही होगा सब जल्दी जल्दी होगा, बट 15 तक वेट तो करना होगा। 15 मई तक रुक जाए, महादेव कृपा जल्दी ही थर्ड लिस्ट पर बरसने वाली है। जो बोलते हैं काम नहीं हो रहा, सब हो रहा, बस कोरोना से थोड़ा स्लो है, ये मान लीजिए। जी हाँ, बेसिक शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा 69 शिक्षक भर्ती, जो भी नए शिक्षक हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट अभी तक सत्यापन नहीं हो, जिनका वेतन जिसकी वजह से रुका हो, तो काफ़ी जो है पिछले दिनों की मीटिंग में काफ़ी नाराजगी व्यक्त की गई थी मंत्री जी और विभागीय अधिकारी द्वारा कि यदि आप लोग ऑनलाइन सारे परीक्षा फल हैं तो आप लोग अनदेखा क्यों कर रहे हैं। जल्द से जल्द काम सत्यापन जो भी पूरा करें और 8 मई, मतलब आज की डेट कही कि 8 मई तक हर हालत में सत्यापन पूरा कर लें। जी हाँ, 22,000 सीट नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए अभ्यर्थियों, यूपी शिक्षित अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा, प्राथमिक शिक्षा भर्ती विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग उठाई। राकेश पांडे लखनऊ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों के माध्यम से गुरुवार 6 मई को ट्विटर अभियान के माध्यम सरकार से गुहार लगाए थे। सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करे, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के द्वारा घोषणा की गई थी। 69 शिक्षक भर्ती पूर्ण होने पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों के रिक्त होने में भर्ती देने की प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है, लेकिन अब सरकार एवं शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भर्ती देने से बच रहे हैं। शिक्षित बेरोजगार लगातार घेराव कर रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी के माध्यम से ट्विटर अभियान किया गया। जी हाँ, बात सही है, भर्ती निकलनी चाहिए। जो भी मित्र चैनल पर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कोविड के गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। धन्यवाद।